हेलो स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसे वॉयस ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लास सिक्स एक्टिव एंड पैसे वॉयस जिन्हें हिंदी में कृतवाच्य और करम वाच्य भी कहा जाता है आई विल एक्सप्लेन एक्टिव एंड पैसे वॉयस लाइन बाई लाइन इन हिंदी सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली द गार्डन वाटर्स द प्लांट्स फर्स्ट सेंटेंस है कि जो माली है वो पौधों को पानी देता है द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर सेकेंड सेंटेंस में लिखा गया है जो पौधे हैं उनमें माली के द्वारा पानी दिया जाता है द काइंड ऑफ कंट्रास्ट शोन इन दीज टू सेंटेंसेज रेफर टू एज वॉइस जो आप परिवर्तन जो अंतर देख रहे हैं आप दोनों ही सेंटेंसेज में उसको ही वाच्य कहा जाता है द फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज द एक्टिव वॉइस जो पहला सेंटेंस है उसको एक्टिव वॉइस यानी कृत कहा जाता है द सेकेंड इज द पैसिव वॉइस जिसे कर्म वाच्य कहा जाता है इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एंड वाइल इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टिड अपोन जो पहला सेंटेंस है उसमें कर्ता पे जोर दिया जा रहा है कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें जो जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है यानी जो कर्म है वो प्रधान है इसीलिए उसे कर्म वाच्य कहा जाता है हिंदी में हाउ टू फॉर्म पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस अब आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में जो आप देख रहे हो ही किल्ड अ स्नेक ही क्या है सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है करता जो काम को कर रहा है किल्ड है वर्ब यानी क्रिया जो काम किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट है उद्देश्य जिस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है ही किल्ड अ स्नेक उसने सांप को मारा पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे तो क्या होगा जो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा ए स्नैक ए स्नैक जो कि फर्स्ट सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ के सब्जेक्ट हो गया फिर ए किल्ड वॉज किल्ड उसके बाद आ जाएगा बाय हिम जो ही है वो किसमें चेंज हो गया हिम में और जब भी आप पैसि वॉइस बनाओगे उसमें हमेशा बाय का यूज किया जाता है ए स्नैक वॉज किल्ड बाय हिम यानी एक सांप को उसके द्वारा मारा गया अब रूल्स हैं इसके सम रूल्स टू फॉर्म पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज मूवड टू द एंड ऑफ द क्लॉज एंड बिकम्स द पैसिव एजेंट द प्रीपोजिशन बाय इज एडेड जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में जाकर एंड में लिखा जाता है और वो क्या बन जाता है एक तरह से एजेंट बन जाता है और बाय प्रीपोजिशन जो है वो ऐड की जाती है द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज मूवड टू द फ्रंट ऑफ द क्लोज एंड इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसि वर्ब और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉयस का वो पैसि वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाता है उसे शुरू में लिखा जाता है द पैसि वर्ब मस्ट है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द फाइनेट वर्ब और जो पैसि वर्ब है यानी पैसि वॉइस में जो वर्ब आप यूज़ करोगे वो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म द टेंस ऑफ वर्ब रिमेन्स द सेम और जो काल है वर्ब का वो सेम रहता है यानी उसको क्रिया का जो काल है वो सेम रहेगा उसे आप नहीं बदलेंगे अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में दिखाया जाएगा पास्ट है तो पास्ट में दिखाया जाएगा ये इसके रूल्स हैं अब इसका कन्वर्जन ऑफ द प्रोनाउंस जब आप इसमें जो प्रोनाउन गिवन होंगे एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो उन्हें किस तरह चेंज करोगे आप आई मी में चेंज हो जाएगा वी अस में चेंज हो जाता है यू का यू ही रहेगा ही बन जाएगा हिम शी हो जाता है हर इट का इट ही रहेगा और दे को हम दैम में चेंज करते हैं अब इसमें टेंस के अकॉर्डिंग आपको कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है वो गिवन है सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि उसमें आप कैसे चेंज करोगे तो यहाँ रूल में हम जो सिर्फ है किसका पढ़ेंगे अभी प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्योंकि सारा अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा फर्स्ट सिर्फ आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ऐसा ई एस है प्लस ऑब्जेक्ट यह आपका फॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस में जब आप पैसे बनाओगे सब्जेक्ट आ जाएगा यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा उसके बाद इज एम आर आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट अब है चेंज ऑफ वॉइस द प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस रीड द फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस मोहन राइट्स अ बुक अब मोहन सब्जेक्ट है राइट्स आपका वर्ब है ए बुक ऑब्जेक्ट है जब आपने पैसिव बनाया तो आपने कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट किया ए बुक से क्योंकि ए बुक पैसिव वॉइस में क्या बनेगा सब्जेक्ट ए बुक राइट्स लिखा है यानी प्रेजेंट है टेंस है तो आपने इज लगा दिया और ए बुक वो क्या है सिंगुलर है इसके साथ आप प्रेजेंट में इज लगाएंगे अगर प्लूरल होगा तो आर लगेगा अ बुक इज राइट का थर्ड फॉर्म है रिटर्न यहाँ रिटर्न आ गया और बाय मोहन अ बुक इज रिटर्न बाय मोहन यानी मोहन के द्वारा एक किताब लिखी जाती है चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल अब यहाँ सब्जेक्ट है आपका चिल्ड्रन प्ले है वर्ब फुटबॉल है ऑब्जेक्ट जब आप पैसे बनाओगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा सेंटेंस फुटबॉल से फुटबॉल इज प्लेड बाय चिल्ड्रन फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए इज इस लगेगा फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि है प्लेड फिर आएगा बाय प्रपोजिशन उसके बाद है चिल्ड्रन यानी फुटबॉल बच्चों के द्वारा खेला जाता है थर्ड दे डू नॉट फॉलो द टीचर्स अब दे है आपका सब्जेक्ट उसके बाद फॉलो आपका वर्ब है द टीचर ऑब्जेक्ट है द टीचर्स आर नॉट फॉलोड बाय देम द टीचर्स आपका जो कि ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस के वक्त वो सब्जेक्ट हो गया द टीचर्स यहाँ आर लिखा गया है क्योंकि टीचर्स प्लूरल है उसके बाद नॉट फॉलोड बाय देम द टीचर्स आर नॉट फॉलोड बाय देम यानी जो बच्चे हैं यानी उनके द्वारा अध्यापक को के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है या वो उन्हें फॉलो नहीं करते हैं या वो जैसा बताया जाता है वैसा नहीं करते हैं डू यू सी दैट बर्ड ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जब आप इंटेरोगेटिव स्टार्ट करोगे तो डू यानी प्रेजेंट टेंस में आप डू यूज कर रहे हो तो यहाँ इज आ जाएगा इज दैट बर्ड सीन बाय

फ्रेंच इज स्पोकन बाय हर शी वर्ब है स्पीक्स आपका शी आपका सब्जेक्ट है स्पीक्स वर्ब है फ्रेंच आपका ऑब्जेक्ट है तो जब आपने पैसे भी बनाया तो आप यहाँ सेंटेंस स्टार्ट करेंगे फ्रेंच से फ्रेंच इज़ उसके बाद स्पीक का थर्ड फॉर्म है स्पोकन उसके बाद बाय और उसके बाद शी चेंज होगा किस में हर में फ्रेंच इज स्पोकन बाय हर ही टेल्स ए लाई अब यहाँ सेंटेंस स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ए लाई ए लाई जो कि पैसिव वॉइस में क्या बने गया सब्जेक्ट अ लाई इज टोल्ड बाय हिम ही चेंज हो जाएगा हिम में और टेल्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टोल्ड इट लाई इज टोल्ड बाय हिम आई पेंट ब्यूटिफुल पिक्चर्स अब आई है आपका सब्जेक्ट पेंट है वर ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑब्जेक्ट जब आपने सेंटेंस स्टार्ट किया ब्यूटिफुल पिक्चर्स पिक्चर्स है प्लूरल इसीलिए यहाँ आएगा आर और उसके बाद पेंट का थर्ड फॉर्म है पेंटेड बाय मी ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर पेंटेड बाय मी राम बीट्स श्याम अब यहाँ है श्याम ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस आपका पैसे वॉइस में स्टार्ट होगा श्याम से श्याम सिंगुलर है इसलिए इज आएगा उसके बाद बीट का थर्ड फॉर्म है बिटन बाय राम श्याम इज बीटन बाय राम यानी श्याम के द्वारा राम के द्वारा शाम को मारा जाता है कुनाल बिल्ड्स अ हाउस कुनाल एक घर बनाता है अब कुनाल है सब्जेक्ट बिल्ड है वर्ब ए हाउस है ऑब्जेक्ट अभी आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो हाउस इज बिल्ट बाय कुनाल यानी एक घर कुनाल के द्वारा बनाया जाता है दिस इज नॉट मीन्ट बाय मी ये आपका पैसे वॉइस है इसे आप एक्टिव बनाओगे बाय मी मी चेंज होगा आई में इज नॉट है तो यहाँ आप डो नॉट लिखोगे और मीन्ट है थर्ड फॉर्म आप लिखोगे फर्स्ट फॉर्म वो है मीन और यहाँ आएगा दिस आई नॉट मीन दिस अब है सेवंथ ही नेवर स्पीक्स द ट्रुथ वह कभी सच नहीं बोलता ही है आपका सब्जेक्ट स्पीक है वर्ब और द ट्रुथ है ऑब्जेक्ट जब आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो कहां से स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट से द ट्रूथ इज नेवर स्पीक का थर्ड फॉर्म है स्पोकन बाय ही चेंज होगा हिम में द ट्रूथ इज नेवर स्पोकन बाय हिम यानी उसके द्वारा सच कभी नहीं बोला जाता है शी डज नॉट लव हिम वह उसे प्यार नहीं करती है शी है सब्जेक्ट फिर उसके बाद आपका वर्ब है लव और जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम हिम चेंज होगा ही में ही इज नॉट लव्ड बाय हर क्योंकि शी चेंज हो जाएगा हर में द प्लक द फ्लावर्स अब यहाँ चिल्ड्रन है सब्जेक्ट प्लक है वर्ब द फ्लावर्स है ऑब्जेक्ट जब आप सेंटेंस चेंज करोगे द फ्लावर्स जो कि ऑब्जेक्ट है पैसे वॉइस में जाके वो सब्जेक्ट बन जाएगा द फ्लावर्स फ्लावर्स है प्लूरल इसीलिए आएगा आर उसके बाद आएगा इसका थर्ड फॉर्म जो कि है प्लगड फिर आएगा बाय और उसके बाद द चिल्ड्रन यानी बच्चों के जो फूल यानी बच्चों के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं द टीचर पनिश जो टीचर है अध्यापक है वो शरारती बच्चों को सजा देती है द टीचर है सब्जेक्ट पनिश अ वर्ब द नोटिस स्टूडेंट्स है ऑब्जेक्ट तो द नोटिस स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका सब्जेक्ट द नॉटी स्टूडेंट्स उसके बाद है स्टूडेंट्स प्लूरल है उसके बाद आएगा आर उसके बाद पनिश जो है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है वो है पनिश्ड उसके बाद बाय द टीचर यानी शरारती बच्चों को टीच अध्यापक के द्वारा सजा दी जाती है तो इस वीडियो में हमने एंड पैसे वॉइस जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है वो इसमें किया है और हमने एक बुक वर्क भी किया है आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू थैंक यू